नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ काफ़ी सारी बारिश हुई है और मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ ये रेड कलर का गुड़हल खिला है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना खूबसूरत सा गार्डन। फ्रेंड्स, बरसात स्टार्ट होते ही हम लोग अपने गार्डन में तरह तरह की कटिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैंने भी एक ये बेस्कस की देख रहे हैं एक कटिंग लगा रखी है, और इधर ये तो ये दोनों कटिंग लगा रखी हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये कटिंग दोनों कितनी खूबसूरती से सक्सेस हो गई है, मैं आज आपको अपने हिबिस्कस की कई सारी कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मौसम बहुत अच्छा है, जो लोग फूलों से प्यार करते हैं वो अपने हिबिस्कस की कटिंग लगाएं। वैसे तो किसी भी प्लांट्स की कटिंग लगाएं सक्सेस होती है बरसात में, बट मैंने कई सारी कटिंग लगाई थी वही दिखाने वाली हूँ। जैसे कि ये मेरे यहाँ एक प्लांट ऐसा है जिसमें बहुत सारे रेड कलर के फूल आते हैं, तो मैंने उसी प्लांटर से अपनी प्लांट्स की कटिंग निकाल निकाल के लगाई थी। फ्रेंड्स, यही है वो प्लांट जिसकी मैंने आप कटिंग लगाई दिखाई है, और इसकी कटिंग फ्रेंड्स बहुत अच्छी चलती है। मतलब अच्छी क्या चलती है, फूल बहुत अच्छे आते हैं, कैसे मैं बताने वाली हूँ। अभी देखिए इसकी लेंथ फ्रेंड्स, ये है नीचे से गमले से, और इसकी नीचे नीचे ही काफ़ी सारी ब्रांचेज आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये वाली आ रही है, तो जैसे ये आ रही है ना, ऐसे ही वो आ रही थी नीचे से। तो मैंने अपना गार्डन साफ़ करना था फ्रेंड्स, तो मैंने नीचे से वो कटिंग निकाल दी थी, इतनी बड़ी निकाली थी जितनी बड़ी ये है, देख रही है। और लगभग 2-3 मंथ्स पहले लगा दी थी जबकि अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, बट फ्रेंड्स वो आज इस बार गर्मी ज़्यादा रही नहीं, बरसात आती रही है, तो उसी बरसात में लगाई थी। तो फ्रेंड्स, वो कटिंग लग चुकी है, और इसकी खासियत ये है फ्रेंड्स कि देख रहे हैं इसमें ज़्यादा वैसी ज़्यादा नीचे से ब्रांच वैसी नहीं है, बट ये नीचे से ही देख रहे हैं इसमें 4 कलियाँ आ रही हैं। ये देखिए छोटी सी है, छोटी सी बिल्कुल, और इसमें 2 कलियाँ आ रही हैं। तो इस प्लांट की खासियत ये है कि इसकी जितनी भी मैं आपको ब्रांच दिखाऊंगी ना, ये देखिए सब में भरपूर कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा प्लांट कलियों से भरा पड़ा है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो मैंने इसकी जो नीचे जैसे प्लांटर है ना इसका, मुझे प्लांटर की जगह खाली करनी थी, कुछ लगाना था फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी ब्रांच निकाल करके ये लगा दी थी यहाँ पर। मैंने फेंकी भी नहीं, हालांकि फेंकने वाली थी मैं, इनका लगा के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, लगती हैं फ्रेंड्स, ये लग चुकी है। और फ्रेंड्स, ये मैं अपने ब्रदर के यहाँ से एक ब्रांच लाई थी, वो इससे भी छोटी थी, और मैंने किसी और जगह लगा रखी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो जब वो काफ़ी अच्छी हो गई तो मैंने उसी में से एक ब्रांच निकाली फ्रेंड्स, और मैंने ये इसमें छोटे से पॉट में लगा दी थी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, लग रहा है ना। तो इसकी 2 कलर की सी लीव्स हैं ना, जो कि देखिए काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, और उसके बावजूद फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं रेड कलर के। तो मैंने ये छोटे से पॉट में, ये देखिए, कुछ भाई बहन सोचते होंगे ना कि जैसे बहुत बड़ा गमला चाहिए कटिंग लगाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये अपने वेस्ट ही टूटा हुआ है गमला फ्रेंड्स साइड से, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से, ये देखिए टूट चुका था फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत अच्छा प्लांट था, मैंने निकाल दिया था, तो मैंने इस प्लांटर की मट्टी खाली नहीं करी और इसमें इस कटिंग को लगा दिया था कि देखते हैं होती कि नहीं, बट बहुत अच्छी निकल के आई है। तो आप भी फ्रेंड्स हिबिस्कस की कटिंग ट्राई करें। बस ये है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया ना, इसकी कटिंग इसी में से निकाल के लगाई थी फ्रेंड्स, तो अच्छा खासा सक्सेस हो गया फ्रेंड्स। और ज़्यादा पानी बरसा है ना, तो इसकी वजह से ये इसकी जो डंडियाँ हैं वो झूल चुकी हैं, ये देखिए। तो अभी भी मैं चाहूँ तो इनकी एक ब्रांच निकाल के लगा सकती हूँ और बहुत अच्छी लगेगी। तो आपके पास भी फ्रेंड्स अगर हिबिस्कस है और आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा हों, तो आप इस मौसम में इनकी कटिंग लगाएं, काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं ये और अच्छे लगते हैं। ये देखिए इनमें बर्ड्स आ रही है, तकरीबन सभी में आ रही है, देखिए तो कीड़े लग जाते हैं कभी कभी इनमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हिबिस्कस नहीं है तो कहीं से ले आएँ और कटिंग लगाएं, बहुत अच्छा मौसम है, कटिंग का लग जाएगी। ये फ्रेंड्स कटिंग से लगा रखा है, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं कटिंग से कोई प्लांट लगाती हूँ
और जब वो इस तरीके से निकल के आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और मेरे पास फ्रेंड्स काफ़ी सारे हिबिस्कस हैं और अभी मैंने 2-3 हिबिस्कस कटिंग से रेडी किए हैं। तो आज फ्रेंड्स मैंने हिबिस्कस पे ही वीडियो डाला है अपना, आप लोग देखें। और इस मौसम में मैं आपको याद दिला रही हूँ, जिन भाई बहनों को हिबिस्कस की कटिंग लगानी है वो ओवरऑल अपने किसी भी वेस्ट पॉट में कटिंग लगा दे, बहुत अच्छी चलेगी। और जब उसकी अच्छी सी कटिंग हो जाए, जैसे अभी ये हो रही है, तो आप अपने प्लांटर को खाली कर दें उसको, और किसी अच्छे से प्लांटर में अपने प्लांट्स को लगा दें, जो कि आपको फूल भी अच्छे देगा काफ़ी सारे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो फ्रेंड्स आपका एक लाइक तो बनता है ना। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आपके लिए नहीं डाल रही हूँ, छोटी सी वीडियो है मेरी ये। इसका कलर देख रही फ्रेंड्स, लग रहा है ना खूबसूरत, और जब इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स ये। और आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल ना जाए, तो इसकी जो मेन ब्रांच है ना उसको आप ऊपर से पिंच कर दें, तो वो नीचे नीचे काफ़ी गुलदस्ते की तरह निकल के आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसा करें, पिंचिंग कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा टॉल जाए तो आप उसको कुछ भी ना करें और जाने दें। हाँ, पिंचिंग आप कब करें, जब काफ़ी बड़ा हो जाए और आपको उसकी काफ़ी सारी ब्रांच चाहिए, तब आप उसकी पिंचिंग करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी सॉरी। और काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, तो मेरी वीडियो को एंजॉय करें फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, बाय फ्रेंड्स।